गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पोर्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि पोर्ट्रेट को कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले आपको जो उसकी बेसिक शेप्स हैं, आईज की, नोज की और लिप्स की, ये आपको आनी चाहिए। सबसे पहले इसको आपने ट्राई करना, पहले आप अकेली आंखें जो है उसको ड्रा करना, फिर नोज है साइड में है फ्रंट में है नोज, उसको बनाना सीखना है, फिर लिप्स जो है साइड में कैसे दिखाई देते हैं फ्रंट में कैसे दिखाई देते हैं उसको ड्रा करना। आज मैं आपको उसके प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा कि उसका प्रोपोर्शनेट कैसे करते हैं फेस बनाने के लिए, उसमें स्पेस कैसी होती है। जैसे ये मेरे पास एक पोर्ट्रेट है, इसमें क्या है जो आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा ओवल है, ये हमारा जो है ये ओवल शेप में है। ये देखो, इसको ओवल शेप में आप ड्रा करो, ये हो गया हमारा ओवल, ये वाला देखो। उसके बाद क्या है, ये हमारा जो है आईज है हमारी जो है, यहां से आप थोड़ा सा लंबा, ये सेंटर में आएगा हमारा, यहाँ आ गया, ये हमारी सेंटर में लाइन आएगी, इसको बनाओगे। ये ओवल के हमारे जो है या यहाँ तक, यहाँ सेंटर में, अब यहाँ पे आप लाइन जो है ड्रा कीजिए सेंटर में, बिल्कुल ये ओवल बनाया था सबसे पहले आपने, उसके बाद ये हमारे सेंटर में हमने लाइन ड्रा की, यहाँ पे हमारी आईज बनेगी और ये हमारा यहाँ पे चिन आएगी लास्ट में, और ये हमारा यहाँ पे आप निशान लगाओ नोज का, ये इसका सेंटर में होगा दोनों के, ये आईज के सेंटर में मैंने निशान लगा, ये हमारी आईज है, इसमें से क्रॉस कर रहा है, देखो लाइन हमारी आईज में, आधी आईज ऊपर है आधी नीचे है ये, ठीक है, और इसमें से ये हमारी लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, ये देखो, और ये हमारा नोज है, यहाँ पे बन गया हमारा सेंटर, ये वन है ये टू, इक्वल पार्ट हो गए इसके वन और टू, और इसका जो हाफ करोगे आप, ये वाला हमारा ये नीचे वाला का हाफ करोगे, यहाँ पे हमारा जो है ये लिप्स का नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, लिप्स हमारा नीचे यहाँ पे हमारा लिप्स जो खत्म हो जाता है, इसका सेंटर निकालेंगे, ये थोड़ा सा थोड़ा आप मतलब कि जैसे आप किसी के गुलाई में है तो ये हमारी चीन छोटी बनेगी, थोड़ा सा अगर लंबा है तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, इसमें से ये देखो जो हाफ है हाफ में थोड़ा सा यहाँ तक है, इतना बढ़ा दिया इसने, थोड़ा लंबा रखा, और ये हमारा जो है तीन भागों में हमने बांटा इसको, एक दो तीन में ये हमारा जो है लिप्स बनेगा, इसमें ये हमारा लिप्स जो है इसमें बनेगा ऊपर, तीन भागों में बांट लो, एक हो गया दो हो गया ये तीन हो गया, तीन ये एक ऊपर छोड़ दिया, ये ऊपर वाला जो है वो पतला है लिप्स, ये वाला मोटा है लिप्स ऊपर वाले से थोड़ा, तो ऐसे ये हमारा जो नोज है, नोज की जो शेप होती है ये हमारा यहाँ पे गुलाई होती है, ऐसे ये हमारा गोल हो गया, ये भी गोल है और ये भी हमारा गुलाई में है दोनों साइड में, ऐसे ऐसे आप गुलाई में इसको बनाओगे, ये बड़ा सर्कल है, ये दो छोटे सर्कल है, बना के इसमें आपका जो है ये नोज बनेगा ऐसे, और ये हमारी आईज ऐसे शेप होती है ऊपर से ऐसे गुलाई में, और ये भी हमारा गुलाई में सेम होगी, जैसे जितना साइज ये है फ्रंट में उतना ये होगा, जितना ये सर्कल में होगा तो ये भी हमारा सर्कल में होगा, अगर हम इसको गुलाई में करके पहले इसको गुलाई बनानी पूरी, बाद में जो पोर्शन बाहर आ गया उसको रेस कर देना आपने, ये हमारा ये भी सेंटर में आएगा और इसके ऊपर हमारा आईब्रोज आएंगे, और जो हमारा कान है वो कैसा होगा, ये देखो ये हमारा थोड़ा सा, अब कान कहाँ पे बनेगा आपका, जो ये थोड़ा इसने नीचे यहाँ बना दिया, ये ऊपर है देखो, ये वाला तो नीचे आ गया कान और ये वाला ऊपर चला गया कान, आप ये आईब्रोज के लेवल पे होता है ये वाला, यहाँ पे ये वाला गलत बना हुआ है, यहाँ पे आएगा ये कान, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आएगा हमारा जो नोज है, नोज के बराबर जाएगा यहाँ तक, और ऐसे ये वाला आईब्रोज के नजदीक ही होगा ये वाला, ठीक है, ये हमारा जो है आईब्रोज नीचे है थोड़ा, ये वाला ऊपर है, ये नीचे हो गया, ये वाला थोड़ा ऊपर है ऐसे,
लेकिन ये जब भी हम ड्रा करते हैं इक्वल होता है, ऐसे दोनों इक्वल होते हैं, एक में एक लाइन में हो गए ये वाले, ऐसे ये हमारे जो आइस है ये एक लाइन में हो गई, ये हमारा एक लाइन में होगा, ये सारी लाइन में बनेगी। तो जो हमारी ये डिफरेंस जो है यहाँ से आइस के बीच में जो बिटवीन जो है ये डिफरेंस है, ये एक आइस का होता है, ये जितनी ये है जितनी ये लेंथ है उतना लेंथ में ये होगा हमारा, ये दोनों ये भी उतनी लंबा बनेगा। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे ये हमारा इससे कम होगा, आधा होगा, जितनी हमारी आइस है ये आधी आइस जितना ये हमारा पोर्शन ये खाली होगा, ये वाला ऐसे इधर होगा ये वाला। उसके बाद में आप ये इसको ऐसे बनाओगे कुछ भी है, चाहे पग है चाहे कोई पगड़ी है चाहे कोई तुसी टोपी है, ये ऐसे बनाओगे, ये ऐसे बन गया। तो बनाने के बाद आप इसको अरेज करोगे, ये वाला आपको बाद में अरेज कर दोगे। शेप तो पहले आपने ओवल तो बनानी बनानी है, ये जितनी भी हमने जो हेल्पलाइंस ली थी यहाँ पे जितनी भी गाइडलाइंस है उसको आपने अरेज कर देना। ये हमारा जो है इसको ब्लैक कर लो, इसको ब्लैक कर लो और इसको आप अरेज कर दो। और जो आपकी ये गर्दन शुरू होती है वो यहाँ से देखो नीचे वाले लिप्स से यहाँ तक थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, किसी की गर्दन मोटी होती है किसी की लंबी, अगर लंबी है तो थोड़ा कम कर दोगे, अगर मोटी है तो थोड़ा बाहर को करोगे, ऑलमोस्ट इसके बराबर आएगी, ये लिप्स के बराबर नीचे आती है थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है ये आपका पोर्ट्रेट जो है वो रेडी हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिस करो, आप तो इसकी आईज की भी प्रैक्टिस करो, आईज की कैसे शेप होती है, हमारी आईज ऊपर से ऐसे होती है गुलाई में, फिर यहाँ से ऐसे होती है, फिर थोड़ा सा आगे से ऐसे ऐसे होती है, फिर ये पूरा गोल होता है बीच में, ये सेंटर में आ गया, ये हो गया। ये पीछे ये आगे से मोटे चौड़े हो जाएंगे। ऐसे शेप करो, जो हमारा नोज है उसको सर्कल में बनाते हैं, फिर हम छोटा सर्कल बनाते हैं दोनों साइड में एक जैसे, फिर इसमें हम ऐसे बना देते हैं ऐसे और ऐसे, ये हमारा नोज ऐसे बन जाता है। तो बाकी इसको अरेंज कर देंगे हम, ये हमारा नोज बन जाएगा अरेंज करने से। इसको आप बनाओ, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।